are. We got VIP stuff happening. But look at this place. Wowzers. यार मतलब फुल एक इन लोग शॉक्ड हुए फुल हाँ भाई एक बार एक तो मतलब उसका वो सीलिंग डिजाइन देख के है बहुत कमाल का था यार कितनी मॉडर्न वेंडिंग मशीन्स अंदर थी अच्छा फूड कोर्ट को देखकर ये इम्प्रेस इस एयरपोर्ट को कोई भी आता है ना देखकर हैरान हो जाता है इंटरेस्टिंग दिस काइंड ऑफ यू वुड एक्सपेक्ट दिस इन लाइक दुबई और सऊदी अरेबिया और समथिंग डेफिनेटली अ मिडिल ईस्टर्न लुकिंग डिजाइन इंटरेस्टिंग एक सेक्शन मुझे बहुत खूबसूरत लगा है इस एयरपोर्ट में और वो सारा वो जो एक वॉल बनाई गई है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्प्ले की गई हैं आई मीन वो कमाल की थी कहता हूँ एक तो खूबसूरती के साथ बनाया गया और ऊपर बहुत ही अच्छे निज़ाम के साथ सेटल किया गया और पैसेंजर जो जा रहे हैं देखें वो उधर की इकोनॉमी सेट हो रही है जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं दूसरे ममालक से लोग आ रहे हैं वो उनकी ट्रैवलिंग एजेंसी सेट हो रही है पैसा कमा रहे हैं हर लिहाज से जिधर भी देख रहे हैं वो पैसा कमा रहा है गरीब उनका ऊपर आ रहा है अब पाकिस्तान का अमीर भी पीछे जा रहा है बट ना एक चीज है वाकई में फिर ये बात आती है कि जो इंडियन जितने भी हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं या इवेंट्स देखते हैं वो इंटरनेशनली जो आपके जो मतलब जो वो कहते हैं ना वो स्टैंडर्ड्स उनको मीट करती है इस तरह का नहीं लगता कि भाई बस हाँ एयरपोर्ट है आने जाने के लिए बस बना दिया है वो हमारा लगता है लेकिन ये कि ये तो वाकई में कमाल का है और भाई फूड कोर्ट को भी देखकर ये बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने सारे ब्रांड्स एक ही जगह पे और फिर वेंडिंग मशीन मॉडर्न थी अच्छा फिर आइसक्रीम वाली वेंडिंग मशीन हुई थी किस्म के फ्लेवर रखे हुए थे नेक्स्ट लेवल ने चीजें लाइक हम ये चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है मेरे पास वीडियोस पड़ी है मैं आपको दिखाऊंगा यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था पता लग रहा था लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है उनकी शक्लें गरीबों वाली होती है मुझे हम पाकिस्तानी की शक्लें गरीबों वाली लग जय हिंद दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट की सुंदरता को देखकर अमेरिकन लड़का लॉस एंजलिस की सुंदरता भूल चुका है और उसका यहाँ पर कहना है कि मुझे इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि मुझे किस देश की तारीफ करनी चाहिए यार मतलब फुल एक इन लोग शॉक्ड हुए फुल हाँ भाई एक बार एक तो मतलब उसका वो सीलिंग डिजाइन देख के है बहुत कमाल का था यार कितनी मॉडर्न वेंडिंग मशीन्स अंदर थी अच्छा फूड कोर्ट को देखकर ये इम्प्रेस इस एयरपोर्ट को कोई भी आता है ना देखकर हैरान हो जाता है और भाई फूड कोर्ट को भी देखकर ये बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने सारे ब्रांड्स एक ही जगह पे और फिर वेंडिंग मशीन मॉडर्न थी अच्छा फिर आइसक्रीम वाली वेंडिंग मशीन हुई थी किस्म के फ्लेवर रखे हुए थे नेक्स्ट लेवल ने चीजें यार कमाल है अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक वीडियो सबके सामने आ रही है जिसमें दो अमेरिकन लड़के भारत का भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और जब वह भारत का भ्रमण करके अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रहे थे तो वह अपने देश वापस जाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट की सुंदरता को देखकर पूरी तरह से चकाचौंध हो गए वह दोनों लड़के आपस में वार्तालाप कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि इस एयरपोर्ट को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो हम अपने देश में खड़े हूँ और यह एयरपोर्ट पूरी तरह से लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट की तरह दिखाई देता है चाहे फिर भाई इस एयरपोर्ट की लाइटिंग हो या फिर इस एयरपोर्ट के निर्माण में उपयोग की गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो या फिर इसकी अद्भुत बनावट हो या फिर इस एयरपोर्ट की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वाली टेक्नोलॉजी हो इन सबको देख कर हमें बिल्कुल यही लगता है कि हम लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट में खड़े हैं उन दोनों लड़कों में से एक लड़के का यहाँ पर कहना था कि मुझे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि भारत आने के बाद हमें इतना ज्यादा मॉडर्न और एडवांस एयरपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से संपन्न होगा बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा और जहाँ पर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर रही होंगी आगे उन दोनों लड़कों में से एक लड़के का कहना था कि ये सब देखकर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ और मुझे इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट की तारीफ करनी चाहिए या फिर भारत के एयरपोर्ट की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि कई मायनों में तो यह एयरपोर्ट हमारे देश के एयरपोर्ट से भी ज्यादा सुंदर उनमें से दूसरे लड़के का यहाँ पर कहना था कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है क्योंकि इस एयरपोर्ट में हमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्टोर भी देखने को मिल रही हैं जैसे कि स्टारबक्स डोमिनोज पिज्जा गुच्ची अरमानी या फेजारा वगैरह दूसरे वाले लड़के का यहाँ पर कहना था कि इस बात से यह भी पता चलता है कि भारतीय लोग अमीरों की लाइफ को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं बट ना एक चीज है वाकई में फिर ये बात आती है कि जो इंडियन जितने भी हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं या इवेंट्स देखते हैं वो इंटरनेशनली जो आपके जो मतलब जो
वो कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स उनको मीट करती है। इस तरह का नहीं लगता कि भाई बस हाँ एयरपोर्ट है आने जाने के लिए बस बना दिया है, वो हमारा लगता है, लेकिन ये कि ये तो वाकई में कमाल का है, नजर आता है आपको अपना कल्चर, संस्कृति, आपकी रूट्स, यू नो वो सब चीजें जो है कुछ ना कुछ आपको एक मैसेज कन्वे करती है, हर चीज का एक मतलब आपको नजर आता है, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। यार एयरपोर्ट की जो एक इस पे कारीगरी दिखाई हुई है ना वो बहुत प्यारी है, बेशक वो आप वहाँ पे मूर्तियों की बात करें, बेशक वो वहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो जिन चीजों से पानी निकल रहा था वो ऐसे, वैसे मुझे पता नहीं है वो क्या चीज है, कोई लोकेशन है इंडिया में वो मुझे जरूर बताइएगा, बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा जो है फिर जो एक यू नो फूड कोर्ट भी रस्ते में आया था छोटा सा इनके, वो कोई रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहां से भी जब गुजर रहे थे वो भी जो है बहुत अच्छी लग रही थी। फिर एक और जगह थी जहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप टच था उस जगह पे जो हमने एंड पे देख रही, वो भी इनके आप जिस जिस चीज की भी तारीफ करें ना भाई उतना ही कम है। मुझे तो भाई एक जगह की छत भी बहुत खूबसूरत लगी थी। वैसे ना बताइए मुझे जो डिफरेंस लगता है ना दिल्ली एयरपोर्ट में और मुंबई एयरपोर्ट में जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, दिल्ली एयरपोर्ट में मतलब जो स्ट्रक्चर है बनाने का स्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो थोड़ा स्पेशियस लुक इसलिए आता है। जो मुंबई का इसमें हम लोगों को पिलर्स नजर आते हैं काफी ज्यादा, तो मुझे लगता है मे बी उस वजह से हम लोगों को जो हाँ जो दिल्ली वाला है वो थोड़ा खुला लग रहा है। और उसके अलावा जो फूड कोर्ट की भी अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो भी ज्यादा बड़ा था और इवन के जो मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी वहां पर काफी ज्यादा ऑप्शन है। हाँ ये जरूर हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनल 2 देखा, तो मे बी जो डिफरेंट टर्मिनल है वो उस पर और भी ज्यादा आपको यू नो ऑप्शन मिलते हो। बट मैं कहूंगी कि अपनी जगह पर दोनों बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसमें ये बताया गया था कि दोनों जो एयरपोर्ट्स हैं इनको इंटरनेशनली अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट एयरपोर्ट्स का, तो वाकई में वो डिजर्व करते हैं जितनी खूबसूरती से वो बनाए गए हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। भाई आप में से किस किस ने विजिट किया है, नहीं विजिट करने वाला तो नहीं है मतलब के ट्रैवल किया है मुंबई एयरपोर्ट से? अच्छा मुंबई एयरपोर्ट बाहर से भी बहुत कुछ है, जिसका पीकॉक वाला एक बना बनाया गया, इसमें एक वक्त में अच्छे खासे जहाज खड़े हुए। जी हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम भी शायद 60-70 प्लेन एक वक्त में खड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टू रनवेज तो है हाँ। लेकिन जहाज जो आते हैं टेक ऑफ करते हैं फिर उसके बाद उड़ते हैं, बड़ा एयरपोर्ट होता है तो वहाँ ज्यादा ज्यादा काफी बड़ा है, तो मैं कहता हूँ 50-60 प्लेन तो मेरे ख्याल में एक ही वक्त में यहाँ खड़े होंगे। जिस तरीके से जो एनिमेटेड हमें दिख रहा है हम एक अपना आइडिया बता रहे हैं, बाकी हकीकत क्या है वो तो जब होगा। आई थिंक 11-16 हेक्टर्स पे मतलब फैला हुआ है ये, कमाल है, बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ी जगह, और एक साल में 2 करोड़ लोगों को लेकर चले, यानी कि वो सफर कर सकेंगे, सफर कमाल है। इसका मतलब है अच्छे खासे जहाज एक दिन के अंदर आएंगे, टेक ऑफ करेंगे और उड़ान करेंगे, बिल्कुल मतलब अच्छा, बहुत बड़ा एयरपोर्ट की सबसे यूनिक बात यह है कि डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, नहीं तो नॉर्मली इंडिया में ऐसा होता था कि पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनते थे फिर उनको कन्वर्ट किया जाता था इंटरनेशनल में, सही। तो ये डायरेक्टली बन रहा है मतलब स्टार्ट ही मतलब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वाकई इतना बड़ा एयरपोर्ट।